मुख्य मुख्य पर्व जो होंगे स्नान के, उस दौरान वीआईपी और वीवीआईपी के प्रोटोकॉल सस्पेंड रहेंगे, यह हम पहले से ही सुनिश्चित करेंगे और इसको हमें हर हाल में लागू करना है। दूसरा, एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ पे लागू होना चाहिए। एआई टूल के माध्यम से सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का बेहतर प्रबंधन भी यहाँ दिखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण होता है, जब हम लोग इस प्रकार के किसी बड़े आयोजन के साथ जुड़ते हैं तो उस दौरान एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों का व्यवहार श्रद्धालुओं के साथ कैसा है। जो भी कार्मिक यहाँ डिप्लॉय किए जाएं, वे सिविलियन हो, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए स्वयंसेवक गण हो या फोर्स से जुड़े हुए हों, यूपी पुलिस के हों, पीएसी के हों, होमगार्ड के हों या अन्य किसी भी विभाग के हों, उनकी काउंसलिंग और उनकी ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए पब्लिक के साथ में, श्रद्धालुओं के साथ में, यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे, उन श्रद्धालुओं के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये ट्रेनिंग प्रयागराज कुंभ 2019 ने इस मामले में बहुत अच्छा कार्य किया।